हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार की शाम को हुए उपद्रव मामले में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिस पर अब तक 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गैरकानूनी तरीके से बने एक मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की और आगजनी की कार्रवाई को अंजाम दिया। मदरसे को हटाने के काम में नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। सभी बुरी तरह घायल हुए। उपद्रवी भीड़ ने कई वाहन जला दिए। गुरुवार को भड़की हिंसा में 5 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई थी। हल्द्वानी में दहशत का माहौल बना हुआ है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें अब तक 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। एसएसपी ने कहा कि किसकी मौत कैसे हुई, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने हालात को देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगह पर कर्फ्यू में ढील दी है और आवश्यक सेवाएं बहाल की गई हैं, जबकि इंटरनेट अभी तक पूरी तरह बंद है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जिला निगम स्थल है, वहाँ से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकले थे। आरंभिक घटना वहाँ हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है थाने का डेरा और वहाँ पर जो हुआ है जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रव तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूँकि भारी संख्या में उपद्रव थे, पुलिस का काफ़ी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पता हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा, तो इस दौरान ये घटना हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर उसको कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बनभूलपुर अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।